गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय बच्चों, कैसे हो आप लोग? और आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं। और इस दौरान विद्यालय क्लोज है तो आपकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब चल रही होगी, लेकिन आपको ऑनलाइन क्लासेस के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी वर्क दिया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, उसको आपको समझना है और लिखना है। आज मैं क्लास थर्ड के बारे में बात करेंगे और सब्जेक्ट साइंस है, तो आज हम यहाँ पे एक टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास थर्ड के बच्चों के लिए। तो आप लोग केयरफुली समझेंगे और जो चीज़ें आपको इसमें बताया जा रहा है उसको आप लोग नोट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट टुडे, दैट इज़ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सब्जेक्ट दैट इज साइंस, क्लास थर्ड टॉपिक। ओके, टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एवरीबडी नो दैट देर आर मैनी थिंग्स आर फाउंड अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक लिस्ट बनाने की बात करूँ, आप लोग चूंकि हमारे छोटे बच्चे हो तो अगर एक लिस्ट बनाए तो हम कुछ चीज़ों के नाम लिखते हैं और उस चीज़ को आपको समझना है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, गोट, प्लांट, काउ, ह्यूमन बीइंग, डॉग, that is the first group like this, and second group is that is the first group, that is the second group, in which you can say that is water, which are found around us, chair, table, stone, एयर, माउंटेन, देर आर मैनी थिंग्स विच आर फाउंड अराउंड अस, वन इज लाइक दिस एंड अदर वन इज लाइक दिस, वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? तो जनरली यू कैन से दैट दीज आर द ग्रुप ऑफ वॉट, लिविंग थिंग्स, एंड दीज आर द ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम सिंपली आपसे पूछें कि बेटा इन दोनों ग्रुप में अंतर क्या है, तो यू विल गिव द आंसर दैट कि दीज आर व्हाट, लिविंग थिंग्स, एंड व्हाट इज दिस, दीज आर व्हाट, नॉन लिविंग थिंग्स। इट मीन्स दैट द थिंग्स विच आर फाउंड अराउंड अस आर ऑफ टू टाइप, वन इज कंसिडर्ड एज द लिविंग थिंग्स and other one is considered as a non-living things. But I understand that these are the living things and these are the non-living things. But if anybody asks that, what is the living things? अगर कोई पूछता है कि भाई living things क्या है, then you will give answer that those things which have life is called living things. So your answer will be that those things which have life is called living things. So what is the living things? Those things which have life are called living things. Okay? Any those things which have लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जनरली हम कहें कि ऐसे सभी वस्तुएं, ऐसे सभी थिंग्स जिनमें जीवन होता है, दैट इज कॉल्ड द लिविंग थिंग्स। इन योर हायर क्लासेस योर डेफिनेशन विल बी दैट डेफिनेट लाइफ इज फॉर्म इज कॉल्ड द लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स। अगर बेटा आपको ग्रुपिंग करनी हो कि भी कुछ लिविंग थिंग्स के ग्रुप बनाइए, तो सभी लोग जितने आसपास लिविंग थिंग्स आप देखते हो
उनके नेम से आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम को एक एक करके कलेक्ट करके के अपनी कॉपी पे लिखेंगे. नाउ व्हाट इज द नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स those things which do not have life are called non living things. Those things which do not have life are called non-living things. Non-living things are of two type. अब आप पूछोगे कि सर वो कैसे? जैसे बेटा आपके घर में फैन लगा होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि फैन को किसने बनाया? गॉड ने बनाया? नहीं. These are what? Man-made things. फ्रीज होगा, टीवी होगा, कूलर होगा, मोटर है, बाइक है, ट्रेन है, एरोप्लेन है. These are what? Non-living things, but it is made by human beings. But air, water, mountain, soil, what? These are the also non-living things, but it is made by the God. So we can say that non-living things are of two type. One is the natural non-living things and other one is the man-made non-living things. Now I will discuss about the types of non-living things. Now, types of non-living things. Non-living things are of two types. Non-living things are of two types. First one, natural non-living things. And second one is man-made non-living things. That is very important. Natural non-living things, which is made by the nature, which is found in nature, are natural occurring non-living things, are called natural non-living things. For example, likhenge beta, water, air, mountain, soil, etc. Man-made non-living things, those non-living things which are made by man. यानि ऐसे things non-living जिसको इंसान बनाता. तो किसी भी आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को भी पता है. For example, जैसे car, bike, fan. You understand what I said? Car, bike, fan, chair, train, aeroplane. Okay, near about everybody make a list of near about 50 things which are made by man, and you make a groups of non-living things which are found natural occurring. So today I have discussed about the living things and non-living things. What is the living things? Those things which have the life is called living things. For example, animals and plants. Okay, non-living things, those things which don't have a life is called the non-living things. Non-living things are of two type. One is the natural non-living things and other one is the man-made non-living things. Natural non-living things are those things which are found in the nature, that is natural occurring. For example, water, air, mountain, soil, etc. Man-made non-living things are car, bike, fan, chair, train, aeroplane, etc.
तो इट्स योर होमवर्क, एवरीबडी मेक अ 50 नॉन लिविंग थिंग्स एंड यू शैल पे द मैसेज. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. आज के लिए इतना.